रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरे यूट्यूब चैनल लाइवली फूड बाय शेफ गुप्ता सईद में मैं आज आपको इफ्तारी स्पेशल में बनाना सिखा रही हूँ फ्राइड सैंडविच। फ्राइड सैंडविच बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो नोट कर लीजिए। देखिए, ब्रेड लिए, उसके कॉर्नर कट कर लिए। छुरी से थोड़ी सी मुश्किल होती है, आप ये कैंची लेके उसको आराम से इस तरह कट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये देखिए, इस तरह से काट लीजिए। आधा कप मेयोनीज चाहिए, बॉयल अंडे चाहिए, दो अदद अंडों को बॉयल करके मैंने इन्हें बारीक काट लिया। चिकन चाहिए, चिकन को बॉयल करके इसे श्रेड कर लिया है। एक चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्च, आधा चाय का चमचा नमक या हसबे जायका, एक चाय का चमचा भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। गाजर ली थी थोड़ी सी, आधी गाजर लेके इसको मैंने बहुत बारीक बारीक कट कर लिया है, और शिमला मिर्च ली थी एक, उसको भी बहुत बारीक काट लिया। बोल के अंदर हम सबसे पहले मेयोनीज डालेंगे, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, नमक और काली मिर्ची ये डालेंगे, गाजर शिमला मिर्च ये डालेंगे, सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसके अंदर हम चिकन डालेंगे, और ये अंडे डालेंगे। थोड़ी सी मुझे मायोनीज कम लग रही है, मैं और डालूंगी इसमें। देखिए, इतनी और ली है मैंने, 4 से 5 टेबलस्पून हो गई। मिक्स कर लें सब चीज़ों को। देखिए, चिकन का बैटर तैयार है, इसे अब हम ब्रेड पे लगाते हैं। इस तरह ब्रेड रख लीजिए। बनाइएगा, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी बस सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्राइड सैंडविच बना रही हूँ तो मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने आपको अंडे नहीं बताए थे। दूसरे पे लगाते हैं। इस तरह सब लगा के तैयार करके आपको दिखाती हूँ। सैंडविच सारे बना के रख लिए हमने। दो अंडे लिए, उनको बीट कर लेंगे। थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर, और ये मेरे पास थाइम लीव्स हैं, ये डाल दूँगा। आपके पास ओरिगानो या दूसरी लीव्स होती हैं वो डालें, उससे बड़ा अच्छा जायका आता है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ी सी ही डालिएगा। बस ये अब हम इतना सैंडविच को उठाएंगे। इसको डिप करेंगे अच्छी तरह से और फ्राई करेंगे। देखिए, इस तरह अंडे में अच्छी तरह से कोट करके अब हम इसको फ्राई करेंगे।
दूसरे सैंडविच को भी अच्छी तरह से अंडे में कोट करें। अब इसको भी फ्राई करें। देखिए दोनों तरफ से कितना अच्छा कलर आया, इधर से भी और ये इधर से। फ्राई हो गए हैं, ये दूसरा भी फ्राई हो गया है। ये देखिए, मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, ये देखिए। फ्राइड सैंडविच तैयार है, इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़े के बनते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आप हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कीजिए। फिर किसी इफ्तार रेसिपी में हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।